हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के बारे में। क्लास ट्वेल्थ कंपल्सरी इंग्लिश लॉन्ग कंपोजिशन कंप्लीट हो चुका है। शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक आपके यहां चल रहे हैं। शॉर्ट कंपोजिशन में आपका टॉपिक यहां जो चल रहा है वो है इनविटेशन एंड रिप्लाई, यानी आज इस टॉपिक को हम प्रारंभ करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, शॉर्ट कंपोजिशन में आपका नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर एंड डिजाइनिंग, ये टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है आपका इनविटेशन एंड रिप्लाई। इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण और रिप्लाई मींस होता है जवाब। कोई भी निमंत्रण दिया जाता है उसका वापस जवाब भी दिया जाता है, प्रतिउत्तर दिया जाता है, वो कहलाता है रिप्लाई। मेनली आपका टॉपिक ये है, लेकिन ये टॉपिक भी आपको समझना है, ये टॉपिक भी आपको आ सकता है और ये टॉपिक भी आपको आ सकता है। इस टॉपिक को आप समझोगे तो ही ये टॉपिक समझ में आएगा। एक ही टॉपिक है इनविटेशन, निमंत्रण हम किसी को देते हैं, कैसे लिखते हैं उसको, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम वापस उसका जो जवाब देते हैं वो कैसे देते हैं वो जानकारी भी हम यहां प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनविटेशन। वन इज फॉर्मल इनविटेशन एंड सेकंड इज इनफॉर्मल इनविटेशन। एक होता है औपचारिक निमंत्रण पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक निमंत्रण पत्र। औपचारिक निमंत्रण पत्र होता है उसमें आपको थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल इनविटेशन में केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन यानी कि अनौपचारिक निमंत्रण पत्र होता है वो एक प्रकार से लेटर्स की तरह होते हैं, पत्रों की तरह होते हैं, जबकि फॉर्मल इनविटेशन औपचारिक निमंत्रण जो हम हमारे समाज में आजकल देखते हैं, इनविटेशन लेटर कार्ड जो होते हैं उनको कहते हैं हम फॉर्मल इनविटेशन। ओके डियर्स, यहां हम बात करेंगे इनविटेशन के बारे में। मैंने आपको बता दिया दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। कैसे कैसे इनको लिखेंगे यहां आप लिखिए। इनविटेशन के दो प्रकार होते हैं, इनविटेशन के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार आपको फॉर्मल इनविटेशन और दूसरा प्रकार होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। प्रिय विद्यार्थियों, फॉर्मल इनविटेशन औपचारिक निमंत्रण पत्र, मैं यह लिखूंगा नहीं हिंदी में कि औपचारिक निमंत्रण पत्र, और इनफॉर्मल का भी नहीं लिखूंगा, अनौपचारिक निमंत्रण पत्र। वाई, क्योंकि प्रत्येक शब्द को आप हिंदी में ट्रांसलेट करने के बजाय, लिखने के बजाय, कीप इट इनसाइड योर माइंड व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन और हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये आपको अपने इनसाइड योर माइंड, अपने दिमाग के अंदर रखना है। दूसरी बात, फॉर्मल इनविटेशन के बारे में हम यहां अध्ययन करेंगे।
तो सबसे पहले जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो प्राप्त करेंगे फॉर्मल इनविटेशन के बारे में। तो आप सबसे पहले यहां ऊपर लिखिए, फॉर्मल इनविटेशन लिखते समय फॉर्मल इनविटेशन लिखते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। जब हम एक औपचारिक निमंत्रण पत्र लिखते हैं तो हमें निम्न पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। तो आप नीचे पॉइंट्स लिखोगे, फॉर्मल इनविटेशन का मतलब होता है औपचारिक निमंत्रण हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। फॉर्मल इनविटेशन जो है वो हमेशा कौन से पर्सन लिखा जाता है? थर्ड पर्सन। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन का मतलब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्संस ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश। वन इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड इज सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं मैं और हम, सेकंड पर्सन में आते हैं तुम यू, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में केवल अकेला है यू, जबकि थर्ड पर्सन में आते हैं ही शी इट दे, ही हिम हिज हिमसेल्फ, शी हर 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 हरसेल्फ, इट इट इट्स इटसेल्फ, दे देम देयर देमसेल्फ्स। ये थर्ड पर्सन है। तो आपको फॉर्मल इनविटेशन लिखना है वो हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही लिखना है, जबकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है उसमें हम केवल किस में यूज लेते हैं? फर्स्ट पर्सन में मैं और हम का, एक वचन में मैं और बहुवचन में हम। सेकंड पर्सन में अकेला आता है यू, जिसको हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन को इनफॉर्मल इनविटेशन में यूज लेते हैं। कैसे? कि मैं या हम तुम्हें इस शुभ अवसर पर आमंत्रित करते हैं, मैं तुम्हें इस शुभ अवसर पर आमंत्रित करता हूं, ये लिखा जाता है उसमें। कि जैसे कि मैं या हम यहां इस फंक्शन का, इस उत्सव का आयोजन कर रहे हैं और मैं तुम्हें इस शुभ अवसर पर, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन यू आर इनवाइटेड, या आई इनवाइट यू विद योर होल फैमिली। दिस टाइप ऑफ इनविटेशन आर लाइक इनफॉर्मल लेटर्स। ये जो निमंत्रण पत्र होते हैं ये इनफॉर्मल लेटर्स यानी कि अनौपचारिक पत्रों के समान होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फॉर्मल इनविटेशन के बारे में। लिखिए यहां, सर्वप्रथम बीचों बीच आयोजनकर्ता का नाम विद मिस्टर एंड मिसेज के साथ लिखते हैं। भाई जो व्यक्ति किसी फंक्शन का आयोजन कर रहा है उस व्यक्ति के बारे में लिखेंगे कि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री की शादी का आयोजन कर रहा है, एक टी पार्टी का आयोजन कर रहा है, डिनर पार्टी का आयोजन कर रहा है,
लंच पार्टी का आयोजन कर रहा है, यहाँ हम उसी चीज को लिखेंगे जो यहाँ आयोजन करता है। कैसे लिखेंगे? मिस्टर एंड मिसेज लगा करके। मैं बताता हूं, आप डैश लगा के लिखिए मिस्टर एंड मिसेज आर के सिंघल या आर के अग्रवाल, ऐसे आप लिखोगे। आपने देखा होगा निमंत्रण पत्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आता है श्रीमती एवं श्रीमान फलान सिंह, ऐसे लिखा हुआ आता है, वही है। आपने इनविटेशन कार्ड देखे होंगे, निमंत्रण पत्र देखे होंगे, उनमें स्पष्ट लिखा हुआ आता है श्रीमान और श्रीमती। श्रीमती पहले आता है यहां हिंदी में, लेकिन आपको मिस्टर एंड मिसेज इस प्रकार से ही लिखना है। यदि आप मिसेज पहले लिख देते हो, मिस्टर बाद में लिख देते हो, तो भी आपका सही है। यदि आप मिस्टर और मिसेज लिखते हैं तो बिल्कुल है ही सही, क्योंकि इंग्लिश में हम श्रीमती का नाम पहले नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं तो गलत नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल इंडियंस एंड वी राइट और वी यूज इन एवरीथिंग लेडीज फर्स्ट। हम श्रीमती को आगे रखते हैं प्रत्येक शुभ अवसर में, क्योंकि ऐसा माना जाता है भारतीय जो धर्म ग्रंथ है उनमें महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए हम श्रीमती को पहले लिखते हैं किसी भी फंक्शन में, किसी भी आयोजन में। ओके डियर्स, यहां ये क्लियर हो गया मिस्टर एंड मिसेज आर के सिंघल, आर के अग्रवाल, आर के मालपानी, आर के मलिक, डी के मलिक, कुछ भी यहां लिख सकते हो। ये स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा कि यू आर आर के मलिक ऑर्गेनाइजिंग यूर सन्स मैरिज सेरेमनी ड्राफ्ट एंड इनविटेशन ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, इस शुभ अवसर पर एक इनविटेशन ड्राफ्ट करो, इनविटेशन लिखो। अगला लिखिए, आयोजनकर्ता के नाम के नीचे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ प्लस उत्सव का नाम लिखते हैं। जैसे ही आपने आयोजनकर्ता का नाम लिखा है मिस्टर एंड मिसेज डी के मलिक, ऐसे आपने लिखा है, तो उसके जस्ट नीचे हम छोटे अक्षरों में क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ और उत्सव का नाम। हम आपके रिक्वेस्ट प्रार्थना करते हैं, द प्लेजर माने आनंद की, ऑफ योर कंपनी तुम्हारे साथ की, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन इस शुभ अवसर पर, ऑफ कौन सा शुभ अवसर है, पुत्र की शादी का शुभ अवसर है, आपके प्रमोशन का शुभ अवसर है, पुत्र के जन्मदिन की बर्थडे पार्टी आप दे रहे हो वो शुभ अवसर है, कौन सा आप उत्सव फंक्शन का आयोजन कर रहे हो, यू हैव टू राइट जस्ट बिलो द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द ओकेजन, यानी कि उस अवसर उस उत्सव का जो आयोजन कर रहा है उसके जस्ट नीचे आपको ये लिखना है। ओके डियर्स, यहां से आगे चलते हैं नेक्स्ट। उत्सव के नीचे यदि शादी का अवसर है तो
लड़का या लड़की का नाम लिखते हैं। मान के चलिए कोई शादी का आयोजन आप कर रहे हो, यू आर ऑर्गेनाइजिंग ए सेरेमनी और मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सन ऑफ योर डॉटर। आप अपने पुत्र की शादी का आयोजन कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, लड़के का नाम और नीचे वेड्स WEDS या विद WYTH लिख करके लड़की का नाम लिखना है। ओके डियर्स, यदि लड़की की शादी है क्वेश्चन में तो पहले लड़की का नाम लिखना है और वेड्स या विद लगा करके लड़के का नाम लिखना है। ये आपको यहां ध्यान रखना है। आप इसको धीरे धीरे कॉपी कर रहे होंगे मैं आशा करता हूं, आराम से इनविटेशन और रिप्लाई को आप समझते चलिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3-4 दिन का 5 दिन का समय इसमें लगेगा, 4 दिन का 4-5 इसमें समय लगेगा, 4-5 दिन का, क्योंकि इनविटेशन कई कराने हैं, रिप्लाई भी करवाने हैं। इसके नीचे आपको लिखना है, मान के चलिए शादी का अवसर नहीं है, पार्टी बर्थडे पार्टी आप दे रहे हो, तो जिस लड़के का जन्मदिन की पार्टी आप दे रहे हो उस लड़के का नाम लिखना, लड़का या मैं आपको बताऊंगा, ड्राफ्ट बनवाऊंगा अभी, प्रारूप बनवाऊंगा, लड़का या लड़की के नाम के नीचे फंक्शन का टाइम लिखते हैं। जिस समय जिस दिन जिस तारीख को फंक्शन का आप आयोजन कर रहे हो वो डेट वो वार भी आपको यहां लिखना है, लड़का लड़की के नाम के नीचे। टाइम के नीचे ध्यान रखना, एक एक दो दो पंक्ति छोड़ते चलना है इसमें, जैसे कि लड़का लड़की का नाम लिखा है उसके नीचे फिर पंक्ति छोड़नी है, फिर टाइम लिखना है, फिर पंक्ति छोड़नी है, फिर स्थान लिखना है, ध्यान ये रखना है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों इनविटेशन हमेशा कोरे कागज पर लिखे जाते हैं, लाइनिंग वाले कागज पर नहीं लिखे जाते, पर हमारे पास लाइनिंग वाला कागज, मैं आपको यहां बता दूंगा पूरा प्रारूप बना करके। टाइम के नीचे वेन्यू, वेन्यू का मतलब स्थान लिखते हैं। कौन सा स्थान लिखते हैं, स्थान लिखने का मतलब है जिस स्थान पर फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है। द नेम ऑफ वेन्यू यानी स्थान का नाम, जिस स्थान पर आप क्या कर रहे हो, फंक्शन का आयोजन कर रहे हो। वेन्यू मीन्स क्या होता है, स्थान, ये ध्यान रखना। वेन्यू के नीचे बाई तरफ RSVP लिखकर आयोजनकर्ता का एड्रेस लिखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों स्थान आपने लिखा जहां फंक्शन का आयोजन कर रहे हैं, यदि आप फंक्शन का आयोजन किसी होटल में कर रहे हो या फंक्शन का आयोजन आप किसी मैरिज होम में कर रहे हो तो वो स्थान का नाम लिखना है, और RSVP आप लिखोगे बाई तरफ, वहां आपको अपना स्वयं का पता लिखना है उस व्यक्ति का जो व्यक्ति फंक्शन का आयोजन कर रहा है, उत्सव का आयोजन कर रहा है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और उठा होगा कि सर यदि कोई व्यक्ति स्थान में स्वयं का पता लिखे तो, स्थान में मान के चलिए कोई व्यक्ति फंक्शन का आयोजन अपने घर पर ही कर रहा है तो आपको यहां लिख देना है एट रेजिडेंस,
भाई आप किसी मैरिज होम का नाम लिखोगे, किसी होटल का नाम लिखोगे, तो होटल या मैरिज होम का नाम लिखकर नीचे एड्रेस लिखोगे उसका कि होटल या मैरिज होम कहाँ है। लेकिन यदि घर पर आयोजन कर रहे हो तो क्या लिखोगे, एट रेजिडेंस, और आरएसवीपी जो है उसके नीचे आप क्या लिखोगे, अपना स्वयं का पता, आयोजनकर्ता का स्वयं का पता, प्रेषक जिसको कहते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न और होगा कि आरएसवीपी का मतलब क्या होता है। आरएसवीपी का मतलब होता है यदि आप उत्तर देना चाहो तो इस पते पर दे सकते हैं, आरएसवीपी का मतलब यह है। दूसरी बात, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएसवीपी। आपके दिमाग में यह प्रश्न भी है कि आरएसवीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आरएसवीपी का फुल फॉर्म होता है रेस्पॉन्शिल वाउस प्लेट। क्या है, रेस्पॉन्शिल वाउस प्लेट, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आरएसवीपी जो आप फुल फॉर्म मैंने बोला है, ये वर्ड्स अंग्रेजी भाषा के नहीं है। आरएसवीपी जो है ये शब्द मैंने बोले हैं, रेस्पॉन्स सिल वाउज प्ले, ये शब्द अंग्रेजी भाषा के नहीं हैं, ये शब्द फ्रेंच भाषा के हैं, फ्रांसीसी भाषा के हैं। रेस्पॉन्स सिल वाउज प्ले ये फ्रांसीसी वर्ड है, अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना। अंग्रेजी में तो यही है कि यदि आप उत्तर देना चाहो तो इस पते पर दे सकते हैं। आगे चलते हैं, आरएसवीपी के ठीक सामने, आरएसवीपी के ठीक सामने दाईं तरफ विद वेस्ट विशेष, विशेष नहीं तो विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ या फ्रॉम ऑल फैमिली, इस तरीके से आप लिखोगे, पूरे परिवार की तरफ से आपको सबसे अच्छी शुभकामनाएं। यहां ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्स लिखिए या विशेष लिखिए, दोनों में से कोई एक वर्ड आपको लिखना है। ऑफ आप लिखिए या फ्रॉम लिखिए, इन दोनों प्रपोजिशंस में से भी यू हैव टू राइट ओनली वन ऑफ द प्रपोजिशंस, ऑफ या फ्रॉम दोनों ही सही हैं, ये ध्यान रखना। आरएसवीपी के ठीक सामने दाईं तरफ विद बेस्ट विशेज या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ या फ्रॉम लिखना है, लेकिन लिखना कहां है, दाईं तरफ लिखना है, दाईं तरफ आरएसवीपी के ठीक सामने। चलते हैं, ये आपको लिखना है। इनविटेशन पूरा होने के बाद चारों तरफ से इसे बंद कर देते हैं, ये आपको इनविटेशन और रिप्लाई का जो मैंने जनरल वे में बताया है। आरएसवीपी समझ में आ गया, ये इनविटेशन केवल और केवल कौन सा है, फॉर्मल इनविटेशन, यानी कि औपचारिक निमंत्रण पत्र। इनविटेशन एंड रिप्लाई टॉपिक तो यही चल रहा है आपका। इनविटेशन एंड रिप्लाई, बात करते हैं प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा का मतलब होता है प्रारूप,
प्रारूप क्या है, किस प्रकार से आपको इनविटेशन लिखना है, ये आपको इसी वीडियो के आज ही की क्लास के पार्ट सेकंड में बताया जाएगा। हाउ टू ड्राफ्ट एन इनविटेशन लेटर टू योर रिलेटिव्स, टू योर फ्रेंड्स, ये आपको प्रोफॉर्मा प्रारूप इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको बताया जाएगा। थैंक्स।